ये कौन सी जगह है यार ये? ये भूम्यास स्ट्रूट फार्म, अच्छा भूम्यास स्ट्रूट फार्म, भूम्यास स्ट्रूट फार्म, हाँ जाहिल तहसील नागौर जिला रोहिणा गांव। रोहिणा गांव। हाँ तो इसमें कितने घोड़े हैं इसमें? आप 11 घोड़े हैं। 11 घोड़े। हाँ तो उसकी डाइट क्या है सुबह से? उसकी डाइट सुबह दाल चना बाजरी जो वाह मूंग वाह, और उसके बाद? उसके बाद में रिजका हरा। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद में। 2 घंटे बाद रिजका। अच्छा फिर सूखा मोट का भूस। उसके कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। उसके 1 घंटे बाद। अच्छा दोपहर में 3-4 बार पानी पिलाते हैं। 3-4 बार पानी पिलाते हैं। पानी भी खास होता है सिंपल जो अपन पानी पीते हुए? क्या अपन जो पानी पीते वैसे ही पानी होता? हाँ वैसे ही पानी। हाँ शाम की टाइम में फिर दाना। अच्छा वही दाना क्या होता? वही मूंग चना। अच्छा अच्छा। और फिर घी घी देते हैं साथ में। अच्छा एक टाइम घी देते हैं शाम को। शाम को तो उसके बाद? उसके बाद में दूध पिलाते हैं। कितने बजे करीब? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। अच्छा 3 किलो दूध टाइम का। अच्छा एक बार में 3 किलो? एक बार में 3 किलो। अच्छा फीका होता है मीठा होता? दूध मीठा होता है। दूध नहीं शक्कर डालते हैं? बिना शक्कर? नहीं नहीं शक्कर नहीं डालते। बिना शक्कर गिर गाय का दूध है। अच्छा फिर शक्कर क्यों डालते हैं अपन? शक्कर ये डाल खिलानी नहीं चाहिए शक्कर? नहीं 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 शक्कर नहीं खिलाते। अच्छा और फिर रात को? बस रात को कुछ भी नहीं। रात को कुछ नहीं। कितने बजे बाद उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए? शाम को 5-6 बजे के 7 बजे के बाद में कुछ भी नहीं खिलाते। कुछ नहीं खिलाना चाहिए? अच्छा 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 इनको मोटा करने के लिए क्या खिलाया जाना चाहिए? देखो ये कमजोर मान लो। हाँ तो जो आपने बोला वही है कोई इसके अलावा कुछ और भी देना पड़ता है? नहीं नहीं हम तो वही देते हैं। जैसे हफ्ते के अंदर 32 दे देते हैं दूध के अंदर 32 आता ना हिमालय 32। अच्छा हिमालय 32 चूरण वो देते हैं हफ्ते के अंदर। अच्छा तो क्या अंदर से खाया पिया वो अच्छा रहता है। अच्छा और अच्छा दूध पिलाते हैं तो क्या दूध पिलाते हैं उस हिसाब से अच्छा रहता है। तो आपने तो ये डिलीवरी डेट बताई थी कि आप इस हफ्ते भर में आप आ गए कि आप हिमालय 32 खिलाते हैं। हाँ और इसके अलावा और कभी कभी आप क्या चीज़ और खिलाते हो? बस यही खिलाते हैं। थोड़ा जब ज़्यादा कमज़ोर रहता है उसको थोड़ा दाना दूध थोड़ा बढ़ा देते हैं। और घास कौन सी होती है? कोई ताजी घास भी खाते होंगे? रीजगा। बाजरी भी खिलाते? बाजरी का दाना खिलाते? बाजरी का दाना। बाजरी का दाना बाजरी नहीं। बाजरी की सीजन आ गई ना। हाँ हाँ बाजरी की सिट्टी खिला देंगे। इनकी हाइट बढ़ाने का भी कोई होता है क्या कुछ? या जैसे हाइट अपना भी बढ़ेगी हम कुछ नहीं कर सकते? हाइट तो अपने आप ही बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने का तो कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं हो सकता। जब अगर अच्छी लाइन का बच्चा बच्ची है तो वो अपना हाइट बढ़ेगी। हाँ तो अपने आप हाइट बढ़ेगी। अच्छी खुराक खिलाएंगे तो हाँ वो तो करना ही है। अच्छी खुराक स्पेशल खुराक कोई नहीं होती हाइट के लिए? स्पेशल कुछ भी नहीं है जो आपने बताया वही चलती है। हाँ वही अच्छी लाइन की अच्छी ब्लड लाइन हो अच्छी खुराक हो। हाँ और अच्छी खुराक हो लाइन अपना भी बढ़ जाएगी जो हाइट। ये जो दवा है ये जो दवा है ना ये चूरन टाइम में है। अच्छा इसके अंदर क्या है कि ये घोड़ी को देते हैं अपन 100 ग्राम 100 ग्राम हाँ शाम शाम को शायद घोड़ी को बच्चे को। तो क्या है कि इसको खाया जो भी खाना पीना अच्छा होता है मतलब खाने पीने की कोई गड़बड़ नहीं रहती है घोड़ी को। ये शाम शाम को दाने के अंदर मिला के 100 ग्राम रोज देती है। कुछ नहीं होती? हाँ बच्चे को बोलते क्या इसको? इसको बत्तीसा बोलते हैं। बत्तीसा क्या हुआ बोलते हैं? बत्तीसा चूर्ण बोलते हैं। लेकिन ये क्या है कि जड़ी बूटी का बनाया हुआ है। ओके ओके ओके। आयुर्वेदिक ये क्या के हिसाब से मिलता है? आयुर्वेदिक ये हमने 6 क्विंटल बनाया था। 6 क्विंटल बनवाया था इसके अंदर इसके अंदर ये 6 क्विंटल बना 76,000 कोई आया था बनवाने पंजाब से आया। क्या नाम होगा उनका? बाबा खान नाम है। बाबा खान। बाबा खान। अच्छा बाबा खान नाम है। पंजाब में किस जिले में कॉन्टेक्ट वगैरह? पंजाब में रहते अंबाला में। अंबाला अंबाला में अंबाला के हैं बहुत अच्छे आदमी है। 6 महीने के 6 महीने का बना लिया बना के दे। 6 महीने होते ही फोन करते वापिस आ जाएंगे। वापिस आ जाएंगे। लेकिन क्या है पेट नहीं दर्द करता है पेशाब बंद नहीं होता है खाए पिया अच्छा है वैसे लीद अच्छी करती है वो हिसाब से बना के रखा है। घोड़े की सीकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? काहे बोले उसको? ये मारवाड़ी भाषा में उसको छपरा बोलते हैं। जैसे कि घोड़ियों के जानवरों के लिए अच्छा रहता है। सर्दी के अंदर तो ये गर्म रहता है गर्मी के अंदर ये ठंडा रहता है। अच्छा सबसे बहुत अच्छा रहता है।
ये बनाने के अंदर कम से कम इसके अंदर पूरे मकान का खर्चा आ जाता है 60,000 रुपए 60-70,000 रुपए लगता है। लेकिन इस एरिए के बनाने में, तो इसमें आप जो कंस्ट्रक्शन बोलो उसमें ये मिट्टी का भी शामिल है, कोई छपरे छपरे का शामिल है? छपरे छपरे का ही। अच्छा अच्छा, छपरे छपरे का। और ये जो आपने ये बना रखा है, ये बड़ा स्पेशल बना रखा है। हाँ, हाँ, चारा खाने का। हाँ, ये क्या है, जाली लगा के रखा है इसके अंदर, इसके अंदर ये जाली लगा के रखा है, तो क्या जो भी कचरा होता है ना, जैसे मिट्टी वगैरह होता है ना, ये क्या है नीचे चली जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छा। मिट्टी वगैरह नीचे चला जाता है, ये ऑटोमेटिक सफाई का। ऑटोमेटिक सफाई, घोड़ा जो भी मुंह हिलाता है वो मिट्टी नीचे, और ये अच्छा अच्छा चारा ऊपर ऊपर, और ये एक जाली है। हाँ, ये क्या ऊपर इसको खाते नहीं, घास फूस में मुंह नहीं मारे। अच्छा अच्छा, असली है ये, ये फोर्सम लगा रखा है, उधर भी है दोनों तरफ, और बहुत ही एंटिक चीज है, एंटिक चीज है ये। अंदर क्या इनको दूध पिलाते हैं अलग से, अच्छा दाना देते हैं। हाँ, हाँ। जो इनके अंदर अलग से सुविधा है, फीडिंग चल रही है, डॉक्टर फीडिंग चल रही है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी, उधर भी। हाँ, उधर देख कर दिया, उधर कैमरा लो, आयो अब ये उधर भी धीर दिल्ली काफी अच्छी खासी हाइट कर लेगी। हो घोड़े का ठाण है, कहीं भी मेले के अंदर लेके जाएंगे। ये बिकता है, बनवाना पड़ता है? ये बनवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। अच्छा, ये बनवाना पड़ता है। इसकी क्या हाइट आनी चाहिए? इसकी साइड हाइट है 4.5 फीट। 4.5 फीट है? हाँ, 4.5 फीट। और ये कितने का बन जाता होगा? ये 7-8 हज़ार रुपये में, 7-8 हज़ार में बन जाता है। अच्छा, तो आपने यहाँ नागौर से बनवाया या कहीं और से बनवाया? नहीं नहीं, नागौर से नहीं, पंजाब से लेके आए। पंजाब से लेके आए? हाँ, पंजाब से लेके आए थे। ये चारा इसके अंदर, ये घोड़ों को क्या है चरने में आसानी, तो ये वहाँ पर बिकते हैं? आपको कोना पता, हमारे बनवाओ तो वो बनाते हैं। पंजाब से हम तो बनवाया था, नहीं बनवाया मतलब कि आपने खरीदा है, बनवाया बनवाया बनवाया। हाँ, ये रेडीमेड नहीं मिलते क्या? रेडीमेड का मालूम नहीं, मिलते होंगे। अच्छा, लेकिन हमने तो बनवा, रेडीमेड क्या अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, वो जैसे घर बनवाना है, घर खरीदना, वही बात है। अच्छा लग रही है, डिजाइन वगैरह सब बन जाती है इसमें। जैसे ये है रोयडे की, रोयडे रोयडे आता है ना, रोयडे की लकड़ी का टीको मेला। चारा ये घोड़ियों का चारा है, चीपटा चीपटा है, मोट की मोट का चारा है, मूंगफली का है, मूंगफली का है सब है। वाह, इसकी जो भंडारण के लिए क्या बरसात पानी से बचाना पड़ता है? ड्राई प्लेस के अंदर, ड्राई प्लेस भंडारण होता है, और इसमें कुछ दवाई भी डालते हैं। और एक स्पेशल चीज, ये मारवाड़ किसान ये मेले आपको मिलता है, ये राजस्थान की किसान हथियार है, हथियार है, हथियार। यो पंजाब साइड में भी हाथों से डालते हैं मशीन के अंदर, और उधर कम बनती है ये। इस पे यहाँ खाल भैंस की, ओहो, और ये इनको सींग बोलते हैं। अच्छा, अच्छी लकड़ी की है, और इनके काउंट के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 सिंगी है, 8 सिंगी है। एक 6 की आती है उसको छगनी बोलते हैं, छगनी। एक 4 की आती है उसको चौगनी बोलते हैं, चौगनी बोलते हैं। एक 2 हिंगी, तो ये अलग अलग काम के लिए, अलग 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 के काम के लिए कुछ इससे जैसे प्रैक्टिकली ये चारा है, इनका गैप कम है, इसको इकट्ठा करने में आसानी रहती है। अच्छा अच्छा, ये इकट्ठा करने काम आता है, और कुछ काम भी आता है इससे? बड़ी मात्रा में भर के, भर के डाल सकते हो उसके अंदर, और ऐसे गाड़ी भरते हैं। अच्छा अच्छा, कहीं पे भी डालना होना। अच्छा, और जो सिंपल जो बिल्कुल प्लेन होगा वो नहीं रह सकते अपन? प्लेन मतलब कि बिना गैप के कहता है, फावड़ा टाइप होता है पूरा ही? हाँ, पूरा ही हो। हाँ, पूरा तो बनता है। हाँ, लोहे का लगता है। हाँ, वो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसमें दोनों फर्क है, इसमें ऐसा है जैसे ये मोटा चारा है। हाँ, हाँ। ये आसानी से हो जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, मिट्टी नहीं आती है इसके अंदर, मिट्टी नहीं आती। फिर उसका वजन भी, वजन भी ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है। हाँ, हाँ, उसी हिसाब से इसको जई बोलते हैं, जई जई। अच्छा, और इसी की तरह ये है ना, ये खारी बोलते हैं इसको। अच्छा, खारी, खड़िया, खड़िया, खड़िया। इसमें भी ये चमड़े की है तार। अच्छा,
इनसे बहुत ही अच्छा बनाया होता है, इसमें काफी माल भर जाता है, माल भर जाता है, फैल भी जाती थोड़ी धोने के लिए, फसल को भी इसमें डाल के इधर उधर आवागमन, चारा भी हो जाता है, मजबूत और हल्का, मजबूत बहुत ही स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज है यहाँ राजस्थान के, राजस्थान के लिए। देखो ये भैंस की खाल का है, भैंस की खाल का है, मजबूत, और यहाँ से कील देके यहाँ से बाइंड होते हैं, और इधर यहाँ बुटाटी धाम है ना वहाँ पे इनकी है, घर घर पे काम होता है। अच्छा, मेले के अंदर खूब जय बिकती है, खूब बिकती है, और इनके प्राइस इनके लकड़ी और इनकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ये मतलब 700 से लेके 2000 तक, अच्छा अच्छा, 2500-3000 की भी मिल जाती है। अच्छा, और ये साधारण चाला, साधारण चाला कुत्तर चाड़ने का।